अहमद अली अकबर का स्पेशल टैलेंट यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल डिस्पाइट ऑल द अदर रोल्स दैट ही इज डन, आपको वो कोई भी रोल इस वक्त उनके अंदर नहीं दिखता है, आपको परीजात दिखता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महबूबा शिजाज, आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है परीजाद, और आज मैं परीजाद की सेकंड एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी जी। तो परीजाद लिखा है हाशिम नदीम सैयद ने, इसको डायरेक्ट किया शहजाद कश्मीरी ने, इसमें स्टार कर रहे हैं अहमद अली अकबर, उशना शाह और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करंटली ये स्टोरी जो है वो इन दो कैरेक्टर्स के ऊपर फिलहाल चल रही है। आगे जाके नुमान एजाज और उर्वा हुसैन ने भी आना है, लेकिन फिलहाल परीजाद का किरदार को खोला गया है। और ये बताया गया कि एक ऐसा लड़का है जो कि गरीब है, उसको देखने में भी कोई बहुत प्यारा नहीं कहते, और उसको दिखाते हैं कि वो कैसे जलील हो रहा है हर तरफ से। इस एपिसोड में हमने ये देखा, फर्स्ट एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड हमने देखा, और सेकंड एपिसोड में भी हमने आगे जाके यही देखा है कि उसके ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगती है, और वो ये लगती है कि वो एक लड़की को तंग कर रहा था, एक लड़की घर में रुका छोड़ के गया था, और फिर ये जो उसकी वजह से, क्योंकि लड़की डिनाई नहीं करती कि हाँ ये वही होगा, क्योंकि ये इस लड़की घर ट्यूशन भी पढ़ाने जाता था परीजाद, द गर्ल इज नाहीद, इट्स बीइंग प्लेड बाय उशना शाह। तो फिर उसके बाद मोहल्ले में उसके साथ काफी बुरी होती है, उसके घर वाले जो हैं वो उसको बिल्कुल मारने के लिए आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त कैरेक्टराइजेशंस हैं, बहुत जबरदस्त इस वक्त तक पेस चल रहा है। द वे दैट इट्स बिन शॉट इज ब्रिलियंट, एंड द वे दैट इट्स बिन एक्टेड ऑल्सो इज रियली ब्रिलियंट। इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि परीजात के पास उसका जो दोस्त है शौकी, उसके पास आता है, शौकी के लिए ही उसने वो लेटर लिखा होता है, और गलती से शौकी जो है वो लेटर फेंक देता है, चला जाता है। लेकिन अपेरेंटली उस वक्त छत पे नाहिद से माजिद मिल रहा था। माजिद उनके मोहल्ले में ऐसे लड़के होते हैं जो कि बड़े कोई होलियर देन दाव होते हैं, और परिजात को बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। तो परिजात फाइनली ये फिगर आउट कर लेता है, कैसे फिगर आउट कर लेता है, यू मस्ट वॉच द एपिसोड, स्पॉइल तो मैंने कर दी है, लेकिन यू मस्ट वॉच द एपिसोड कि कैसे वो फिगर आउट करता है। अच्छी बात यह है टेलीविजन शो की कि एक तो अहमद अली अकबर की एक्टिंग कमाल है, बहुत जबरदस्त उनका किरदार है। एक ऐसा सीन है जिसमें उषा शाह उनको कहती हैं कि लोग ये तो नहीं यकीन कर सकते थे ना कि तुम्हारा और मेरा कोई इस तरह का कोई रिश्ता होगा, तो उस पर जो अहमद की जो एक्सप्रेशंस हैं, अहमद जिस तरह उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स वंडरफुल। ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर, ही इज इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, विच शोज दैट ही इज रियली रियली अंडरस्टूड द कैरेक्टर वेरी वेल, एंड द फैक्ट दैट ही इज सो सो टैलेंटेड। सो इट्स अ ग्रेट मार्वल टू सी आर एक्टर्स लुक इन टू दीज रोल्स एंड डू विद वट एवर दे हैव। सो आई एम ऑलवेज ऑल प्रेज फॉर आर एक्टर्स दैट वे। अहमद अली अकबर का स्पेशल टैलेंट यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल डिस्पाइट ऑल द अदर रोल्स दैट ही इज डन, आपको वो कोई भी रोल इस वक्त उनके अंदर नहीं दिखता है, आपको परीजात दिखता है, और आप बिल्कुल एक उस किरदार के लिए रूट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्वीटनेस टू दिस कैरेक्टर, सो यू डू फील सैड एंड बैड फॉर दिस बॉय। फिर हमने ये भी देखा है कि कैसे इन छोटे छोटे मोहल्लों में सियासतें कैसे होती हैं, लड़ाइयां कैसे होती हैं, झूठ कैसे बोले जाते हैं, मैनिपुलेशंस कैसे होती हैं, मजबूर लोग, गरीब लोग जब मजबूर होते हैं तो फिर वो किस तरह की स्टूपिड हरकतें भी करते हैं। और फिर इस तरह एक और मजे की बात यह जो कि शराफत का लिबादा ओढ़ के बहुत सारे लोग दूसरों को लेक्चर देते हैं, उनकी अपनी असलियत क्या होती है, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद आई है ये एंगल जिस तरह उन्होंने इसको शिफ्ट किया है कि ये शराफत की बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में हम सबके वही मसाइल हैं, और हम कहीं ना कहीं हम सब चूक जाते हैं। तो दैट्स ब्यूटिफुली डन बाय हाशिम नदीम ऑल्सो, एंड वेरी वेल डायरेक्टेड, बड़ा कमाल का एपिसोड रहा। आगे जाके भी देखेंगे इंशाल्लाह, अच्छा ही इसका पेस लग रहा है कि आगे भी जाके मजा ही आएगा, बिकॉज बड़े जबरदस्त एक्टर्स आने वाले हैं, नुमान एजाज हैं और उर्वा हुसैन है। सो लेट्स वेट फॉर इट एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।